हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर सेकंड ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र के अंदर पिछले लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का अध्ययन करना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हमें रेस्पिरेशन या श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसके बारे में स्टडी करना है। रेस्पिरेशन एक इस तरह की प्रोसेस है, हम सभी को पता है कि जो सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल्स पाई जा रही है, डिफरेंट टाइप की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जा रही है। बॉडी का फॉर्मेशन सेल से हुआ है, डिफरेंट टाइप की सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं और इन डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए सेल को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की या ऊर्जा की। कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा जो है कोशिकाओं को कहाँ से प्राप्त होगी, जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम के से गेन कर रहे हैं, जो पोषक पदार्थ डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आए हैं, उनका ऑक्सीडाइजेशन करेगी सेल, उनका ऑक्सीकरण करती है और उनके ऑक्सीकरण से एनर्जी गेन करती है। यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो सेल के अंदर आए हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ जो सेल के अंदर आते हैं उनको सेल गेन करती है, उनको प्राप्त करती है और उसका ऑक्सीडाइजेशन करेगी। न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडाइजेशन करती है सेल, न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडाइजेशन करेगी, ऑक्सीकरण करेगी और इससे एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करती है। जो भी पोषक पदार्थ है, जैसे मैं एग्जांपल लें ग्लूकोज का, ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट्स है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसका ऑक्सीकरण होगा यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी, क्या बनेगा इसके ऑक्सीकरण से, CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में एनर्जी निकलती है। और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग सेल के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस है, डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेसेस है उसके अंदर किया जाता है। इस एनर्जी का यूज सेल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को करने के अंदर काम में लेती है इस एनर्जी को। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन से जो ये CO2 बनी है, यह CO2 एक हार्मफुल गैस है। इस CO2 को इन सेल से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। यानी CO2 यदि सेल्स के अंदर रहेगी तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए CO2 को बॉडी से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। हार्मफुल गैस है, इसको रिलीज किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन आई बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो CO2 बनी है उसको बाहर निकालना, CO2 बनी, CO2 को बाहर निकाला जाना आवश्यक है। इसमें यहाँ पर जो गैसों का एक्सचेंज है, यानी O2 जो एनवायरनमेंट से आई है और CO2 जो हमारी सेल के अंदर बनी है, तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है वो हमारी बॉडी में किसके माध्यम से संपन्न होता है, ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से O2 और CO2 का एक्सचेंज डिफरेंट टाइप के टिश्यू के अंदर होगा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के अंदर होगा। अब एनवायरनमेंट, ब्लड और सेल्स के बीच जो ये गैसों का एक्सचेंज पाया जा रहा है, ऑक्सीजन आई ब्लड के थ्रू से सेल्स के अंदर पहुंचा दिया, सेल में जो CO2 बनी है उसे ब्लड के थ्रू एनवायरनमेंट में निकाल दिया। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन या श्वसन के नाम से जाना जाता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर बाहर से ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, अंदर सेल्स के अंदर उसको ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, उसके बाद सेल्स में जो CO2 बनी है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं। सिंपल वे में हम बोले एटमॉस्फेयर, बॉडी की सेल
और जो ब्लड है उसके बीच जो गैसों का एक्सचेंज होगा उसे रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त वायु है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे नोज, थ्रॉट, रेस्पिरेटरी डक्ट, इनके माध्यम से लंग्स के अंदर उपस्थित एक स्ट्रक्चर में पहुंचती है। O2 जिस स्ट्रक्चर में पहुंचती है लंग्स में, उसे बोला जाता है एल्वियोली, या हिंदी में इसे वायु कोशिकाएं कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर कोशिकाओं में पहुंचेगी, वायु कोशिकाओं में। वायु कोशिकाएं किसे मिलती है, लंग्स में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पहुंचेगी। इन एल्वियोली की जो मेम्ब्रेन या झिल्ली है वो फाइन होती है, इसमें कैपिलरी वेसल्स पाई जाती है। जैसे एक डायग्राम से हम समझे, ये एक एल्वियोली है, वायु कोशिका है, इसकी जो मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा बारीक होगी और इसका कनेक्शन ब्लड वेसल्स से होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल्स से जुड़ी रहती है। और इन ब्लड वेसल्स की सहायता से ऑक्सीजन को किसके अंदर डाल दिया जाता है, ब्लड में। ब्लड इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की डिफरेंट सेल्स के अंदर लेकर जाता है। सेल्स के अंदर जब ये पहुंच जाएगी एल्वियोली के अंदर, वहां पर सेल में जो CO2 बनी है उसको भी इन ब्लड के माध्यम से ब्लड कैपिलरीज में डाला जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाएगा, एल्वियोली में आएगी और फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो इसके अंदर पाई जा रही है, ऑक्सीजन का आना, एनवायरमेंट, टिश्यू या सेल्स, और जो लंग जो ब्लड है उसके बीच गैसों का जो एक्सचेंज है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। और ब्रीदिंग एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें लंग्स जो है वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस से इम्प्योर एयर को एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं, यानी जो CO2 युक्त एयर है उसको ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है, O2 को बॉडी के अंदर कैन किया जाता है। तो पूरी जो प्रोसेस है इसे रेस्पिरेशन के नाम से या श्वसन के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसी में आगे हमको पॉइंट बाय पॉइंट इसका डिस्कशन करना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक्चुअली में होता क्या है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर तो रेस्पिरेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन सेल्स रिक्वायर एनर्जी, टू परफॉर्म the various function cells requires energy, यानी कोशिका को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को डिफरेंट टाइप के फंक्शन या काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस एनर्जी को सेल गेन कैसे करती है, बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडाइजेशन करती है और ऑक्सीडाइजेशन से वो एनर्जी को गेन करेगी। उसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन द्वारा उनका अपघटन किया जाता है न्यूट्रिएंट्स का और उनसे एनर्जी को गेन किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, टू एक्वायर दिस एनर्जी, जो एनर्जी सेल को चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए सेल्स क्या करती है, सेल्स यूज O2, सेल्स यूज O2 टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थ सेल के अंदर उपस्थित है या डाइजेस्टिव सिस्टम से जो पोषक पदार्थ सेल को प्राप्त होते हैं उनका सेल ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीकरण करती है और उस ऑक्सीकरण की प्रोसेस या प्रक्रिया से सेल एनर्जी को गेन करती है। नेक्स्ट इसके बाद अब ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है इससे क्या होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा और CO2 गैस निकलेगी। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द दिस प्रोसेस
रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इस प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रोसेस से एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल गैस सीओटू। तो एटीपी का निर्माण हुआ इसके अंदर, दूसरा हार्मफुल गैस या हानिकारक गैस CO2 इस प्रोसेस के द्वारा निकलती है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या कंपलसरी है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करे और जो CO2 जो है जो बन रही है हार्मफुल गैस है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हार्मफुल गैस है यदि बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमारे शरीर को हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये होगा, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, यानी एनर्जी को प्राप्त करने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी है? द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 इन द बॉडी, द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 इन द बॉडी। पहली चीज तो किसकी आवश्यकता है? जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर प्रवेश करे? हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे, हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश करे। एंड एक्सपल्शन ऑफ CO2, एंड एक्सपल्शन ऑफ CO2 एसेंशियल। ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है एनर्जी को प्राप्त करने की, इसके अंदर एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसका हमारे शरीर के अंदर आना जरूरी है और जो CO2 बन रही है उस CO2 का हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। तो दो गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर होगा, एक O2 का और एक CO2 का। और ये जो एक्सचेंज है किसके मीडियम से संपन्न होता है? ब्लड के मीडियम से। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज, this exchange of gases, ये जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है, occurs through the blood। ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान हो रहा है वह रक्त के माध्यम से संपन्न होता है। ब्लड के माध्यम से O2 और CO2 के आदान प्रदान की क्रिया संपन्न होती है। जो गैसों का जो एक्सचेंज है वो ब्लड के माध्यम से कंप्लीट होगा, रक्त के माध्यम से इस एक्सचेंज को, गैसों के एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाता है। अब ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर घोल लेगा और इसको जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन है टिश्यू तक लेकर जाया, ऑक्सीजन को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, डिफरेंट जो बॉडी के टिश्यू और सेल्स है ऑर्गन से उनके अंदर लेकर जाएगा। CO2 जो वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर बनी है उसको भी ब्लड डिजॉल्व करता है और ब्लड इनको किसके अंदर, अल्टीमेटली लास्ट में किसके अंदर छोड़ देता है? एटमोसफेयर के अंदर छोड़ देता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? द ब्लड डिजॉल्व द O2 गैस, द ब्लड डिजॉल्व द O2 इन इटसेल्फ। ब्लड अपने अंदर ऑक्सीजन को घोल लेता है एंड ट्रांसपोर्ट O2 इन द different tissues and organs
बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक, ऑर्गन तक, सेल्स तक जो है ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। ब्लड इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, अपने अंदर घोल लेगा, अपने अंदर घोलने के बाद इसे किसके अंदर लेकर जाने का काम करता है, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन तक ले जाने का इसके द्वारा काम किया जाता है। इसके साथ साथ ही जो CO2 जनरेट हो रही है वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर, जो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है उसको भी ब्लड अपने अंदर डिजोल्व करेगा और लास्ट में उसे एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देगा। तो ब्लड इसके अलावा क्या काम करता है, CO2 को भी इसके अपने अंदर डिजोल्व करेगा। तो द CO2 जनरेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इज डिजॉल्व इन ब्लड एंड ब्लड रिलीज दिस CO2 इन एटमॉस्फेयर। सिंपल सा ध्यान इसमें हमें ये रखना है, ऑक्सीजन को ब्लड अपने अंदर डिजॉल्व करेगा और उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स तक पहुंचा देगा, और CO2 जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बनी है उसको भी ब्लड अपने अंदर डिजॉल्व करता है और अल्टीमेटली या लास्ट में ब्लड इस CO2 हार्मफुल गैस को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है, एटमॉस्फेयर के अंदर इसे मुक्त कर दिया जाता है। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसों का, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है एनवायरनमेंट के बीच, ब्लड के बीच और जो सेल्स है उनके बीच हो रहा है, इस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो एक्सचेंज हुआ है O2 और CO2 का जो एक्सचेंज कंप्लीट हुआ है, एक्सचेंज जो संपन्न हुआ है, इस एक्सचेंज को ही क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेशन या श्वसन के नाम से इसे जाना जाता है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या होगा, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब कौन कौन सी गैसेज हैं, O2 एंड CO2, दो गैसों का ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन का, दूसरा किसका हो रहा है, CO2 का। इन बिटवीन द एनवायरनमेंट द ब्लड एंड द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, यानी एनवायरनमेंट के बीच, ब्लड के बीच, सेल्स के बीच डिफरेंट दो टाइप की जो गैस O2 और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज होने की प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। इसको फिर से स्टार्टिंग से हम रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन सेल्स रिक्वायर्स एनर्जी, कोशिका को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। टू एक्वायर दिस एनर्जी सेल्स यूज O2 टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स, इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए सेल्स ऑक्सीजन का उपयोग करती है और ऑक्सीजन का उपयोग करके न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडाइजेशन या ऑक्सीकरण करती है। This process results in the formation of ATP. अब इस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, एक तो ATP का फॉर्मेशन होगा और हार्मफुल गैस क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ये जो एनर्जी गेन करने की प्रोसेस है, ATP का निर्माण होगा, हार्मफुल गैस CO2 निकलेगी,
फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक O2 इन द बॉडी एंड एक्सपल्शन ऑफ CO2 एसेंशियल। एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से वातावरण से हमारी बॉडी में एंटर हो और जो CO2 हमारी सेल्स के अंदर बन रही है उसे बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो दो थिंग्स इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर आवश्यक होती है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू द ब्लड। अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है गैसों का, जो एक्सचेंज या आदान प्रदान हो रहा है, ये किसके द्वारा संपन्न होता है? ब्लड के द्वारा संपन्न होगा। ये जो प्रोसेस पाई जा रही है गैसों के एक्सचेंज की, जो प्रोसेस पाई जा रही है गैसों के आदान प्रदान की, जो प्रक्रिया या प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है, ये किसके द्वारा संपन्न होती है? ब्लड के थ्रू संपन्न होगी। ब्लड के थ्रू इस प्रोसेस को संपन्न किया जाता है, ब्लड के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड इज डिसॉल्व द O2 इन इटसेल्फ एंड ट्रांसपोर्ट O2 इन द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करता है और ऑक्सीजन का बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट या परिवहन करता है। द CO2 जनरेटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी इज डिसॉल्व इन ब्लड। अब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो CO2 बन रही है उसे भी ब्लड के अंदर घोला जाता है और ब्लड अल्टीमेटली लास्ट में CO2 को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देता है। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 इन बिटवीन द एनवायरनमेंट द ब्लड एंड द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ये जो गैसों का जो आदान प्रदान हुआ है ब्लड के भी, एनवायरनमेंट, ब्लड और सेल्स के बीच, इस गैसों के एक्सचेंज को O2 और CO2 के एक्सचेंज को रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करने के लिए, जिसे संपन्न करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन रिच एयर नोज से, थ्रॉट से, रेस्पिरेटरी जो डक्ट्स या सिस्टम से होकर कहाँ पर चले जाती है, लंग्स के अंदर एयर चैम्बर मिलते हैं एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली हिंदी में इन्हें वायु कुपिकाएं बोलते हैं। वायु कुपिकाओं की जो झिल्ली है बहुत बारीक होती है और उसमें ब्लड वेसल्स या कैपिलरी वेसल्स का जाल होता है और ऑक्सीजन जो है इन कैपिलरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर जाएगी और इन कैपिलरी या वेसल से ऑक्सीजन को किसके अंदर पहुंचा दिया जाता है, सेल्स के अंदर। इसी प्रकार CO2 जो बनी है सेल्स के अंदर उसको इन कैपिलरीज की सहायता से ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड क्या करता है, इन्हें इस CO2 युक्त एयर को एल्वियोली में ले आएगा, एल्वियोली से रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो लंग्स जो है इन प्योर CO2 को बाहर रिलीज करते हैं और जो प्योर CO2 है उसको लंग्स अंदर ग्रहण करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये सारी डिफरेंट जो प्रोसेसेज है वो इसके अंदर कंप्लीट होगी, डिफरेंट प्रक्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो हमको पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम सबको समझ में आएगी। जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है उसे हमने क्या नाम दिया है, रेस्पिरेशन। अब इसके बाद क्या होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को लिया गया है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन युक्त एयर है O2 एयर के अंदर प्रेजेंट है, ऐसी एयर जिसमें O2 प्रेजेंट है, यह रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स में प्रेजेंट किसमें जाती है, एल्वियोली के अंदर। अब एल्वियोली पढ़ेंगे अभी हम आगे, रेस्पिरेटरी जब सिस्टम आएगा उसके अंदर आएगी। लंग्स के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहते हैं, हिंदी में इन्हें वायु कुपिकाएं कहा जाता है, उसके अंदर जाएगी। एल्वियोली जो है
एल्वियोली की मेम्ब्रेन या झिल्ली फाइन होती है, थिन होती है, फाइन पतली होती है, और इसके अंदर अनेक कैपिलरी वेसल्स पाई जाती है। कैपिलरी वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, यानी ये एल्वियोली स्ट्रक्चर है। तो एल्वियोली की ये जो मेम्ब्रेन है थिन है, और इसमें अनेक कौन सी वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलरी वेसल्स प्रेजेंट है। सबसे पतली नलिकाएं जो होती है हमारे ब्लड के सिस्टम के अंदर, उनको बोलते हैं कैपिलरी। उन कैपिलरी की वेसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होगी। कैपिलरी वेसल्स जो पाई जा रही है, एक जाल इसके अंदर एल्वियोली के अंदर पाया जाएगा। इसके थ्रू क्या करता है, जो एल्वियोली स्ट्रक्चर है, इन कैपिलरी वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देता है, सेल्स के अंदर। जो एल्वियोली स्ट्रक्चर है, एल्वियोली संरचना जो है, कैपिलरी वेसल्स के थ्रू या कैपिलरीज के थ्रू जो ऑक्सीजन है उसको किसके अंदर पहुंचा देगा, सेल्स के अंदर पहुंचा देगा। इसी तरह से CO2 का परिवहन होगा। CO2 जो सेल्स के अंदर बनी है, सेल्स के अंदर CO2 है, इस CO2 को किसके अंदर डाल दिया जाता है, कैपिलरीज में। कैपिलरी से इसके अंदर आ जाती है एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली से इसे बाहर के जो एक्सटर्नल बाहर का वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर इसे रिलीज कर दिया जाता है। बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर इसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है हमारे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के अंदर, ये पूरी प्रोसेस पाई जाएगी। अब इसी से संबंधित एक वर्ड है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, जो लंग्स है वो इम्प्योर एयर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, यानी लंग्स रिलीज, लंग्स रिलीज इम्प्योर एयर। इम्प्योर एयर, इम्प्योर एयर का मतलब कौन सी है, CO2 वाली एयर इन एटमॉस्फेयर, यानी लंग्स के द्वारा इम्प्योर एयर या CO2 को किसके अंदर रिलीज किया जाता है, एटमॉस्फेयर या वातावरण के अंदर रिलीज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। जनरली हम बोल सकते हैं O2 और CO2 का जो एक्सचेंज लंग्स के थ्रू किया जाता है उसे ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में इसके अंदर हमने स्टडी किया है कि जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है या ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से संपन्न होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होगी, उसके बारे में हमने इसके अंदर पूरे लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य के अंदर जो श्वसन तंत्र पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।